गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको अपना डायरी सिलेबस और डेटशीट हमसे चेक करवानी है, तो बेटा आपके पास सिर्फ आज का ही टाइम था चेक करवाने का। अभी टुमारो तो पता नहीं है, क्या पता कल छुट्टी भी हो सकती है, तो कैसे कराओगे? लेकिन अपने एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी रखेंगे आप, ठीक है, और पढ़ाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ाई करेंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी रखेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले आज का हमारे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डे टुडे? टुडे इज 9/10/2020 एंड डे इज फ्राइडे। एक चीज यानी और उससे ज्यादा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बैग है, तो बैग का क्या होगा? बैग्स, एक बैग, बहुत सारे बैग। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी ए जी बैग, इसका मतलब है वन बैग। आज हम पढ़ रहे हैं वन एंड मैनी, तो मैंने आपको बताया है ना, वन की स्टूडेंट वन मीन्स होता है एक। मैनी, मैनी अनेक, अनेक का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। वन मीन्स एक, मैनी मीन्स बहुत सारे, समझ गए आप? वन मीन्स एक और मैनी मीन्स बहुत सारे, समझ गए बच्चों? तो वन को मैनी बनाने के लिए उसके पीछे क्या लगाया जाता है? एस लगाया जाता है। बी ए जी बैग, मैंने बच्चों की कॉपीज चेक करी तो मैंने देखा कि मैंने वन एंड मैनी करवाया है, ठीक है। तो बैग लिखा है तो बच्चों ने यहाँ पर भी बैग लिख दिया, कैप लिखा है कैप लिख दिया, बॉय बॉय, मतलब जो भी यहाँ पर वर्ड था वंस में वही मैनी में भी लिख दिया, जो वन में था वही मैनी में लिख दिया, ठीक है। तो बेटा इसके पीछे आप ध्यान रखो, मैनी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एस लगाते हैं, ये वाली है वन की है और ये दरवाजा। बहुत सारे दरवाजे हमारे घर में, बहुत सारे होते हैं ना, एक मतलब हर रूम में एक एक दरवाजा होता है, जैसे मेन गेट हो गया,
कुछ भी समझना है तो मैम से पूछ लेंगे। ओके क्लास।